हेलो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर चैप्टर नंबर एलेवन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस अब तक हम बात कर रहे थे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी जो है वेरियस स्टेक होल्डर्स कौन कौन से तो यहाँ पे एक इंटरनल स्टेक होल्डर्स के बारे में हमने बात की थी जिसमें ओनर्स इन्वेस्टर्स एंड एम्प्लॉयज इंक्लूडेड थे और दूसरे हमने बात की थी कि एक्सटर्नल स्टेक होल्डर जिसमें कस्टमर्स थे सप्लायर्स थे गवर्नमेंट थी एंड सोसाइटी थी तो आज हम उसको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट जो है इंटरनल स्टेक होल्डर्स द इंटरेस्ट ग्रुप विच आर एसोसिएटेड डायरेक्टली विद द मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस यूनिट एंड विच इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिट आर कॉल्ड एंड इंटरनल स्टेक होल्डर्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि कंपनी के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं कंपनी के जो मैनेजमेंट होते हैं उसके साथ अटैच होते हैं तो उस पार्ट को बोला जाता है कि इंटरनल स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है द इंटरेस्ट ग्रुप्स विच आर इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस यूनिट आर कोल्ड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स जो कि कंपनी में ही होते हैं कंपनी में डायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं विद द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस हु आर इंटरनल स्टेक होल्डर्स एज वेल इंटरनल इंटरेस्ट ग्रुप्स विच आर इनडिरटली एसोसिएटेड वो कंपनी में इंक्लूडेड नहीं होते कंपनी में नहीं होते लेकिन इनडिरेक्टली कंपनी के साथ किसी ना किसी रीज़न की वजह से एसोसिएट करते हैं उसको बोलते हैं एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स उसके बाद है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टू द ओनर्स फर्स्ट हम बात करने जा रहे हैं इंटरनल स्टेक होल्डर्स की बिजनेस की ओनर्स के प्रति सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ईयर द एरा ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया वॉज इनिशिएटेड अलॉन्ग विद द इनक्रेडिबल चेंजेस हैपन्ड इन साइज एंड टाइप ऑफ द बिजनेस और इंडस्ट्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ इट द नीड ऑफ़ कैपिटल वॉज इंक्रीज एस टू फुलफिल द नीड्स बाई सोल प्रोपराइटर और पार्टनरशिप वॉज नॉट पॉसिबल सो फॉर्म ऑफ कंपनी वॉज एस्टाब्लिस्ड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ उसके बाद कंपनी का इंडस्ट्रिया का इंडस्ट्रीज का बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ और कई बड़े बड़े चेंजेस आए कंपनी के टाइप में और कंपनी के साइज़ में इंडस्ट्री और बिजनेस के साइज़ और टाइप में उसका रिज़ल्ट हुआ कि कैपिटल जो है वो इंक्रीज करनी पड़ती थी और ये सारी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए सोल प्रोपराटर्स और पार्टनरशिप जो थी वो पॉसिबल नहीं थी सिर्फ एक ही दो एक या दो पर्सन मिलके ये सारी नीड्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे रिक्वायरमेंट को कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे इसी वजह से कंपनी जो है वो उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ एग्जिस्टेंस ऑफ टू डिफरेंट एंटिटीज इन दिस फॉर्म सचेज एक्चुअल ओनर्स मीन्स शेयर होल्डर्स एंड द मैनेजमेंट केम इन टू एक्जिस्टेंस अब जब कंपनी का एग्जिस्टेंस हुआ तो उसमें दो अलग अलग तरह के एंटिटीज होती थी जो कि कंपनी के असली ओनर जिसको हम शेयर होल्डर बोलते हैं और दूसरा था मैनेजमेंट ड्यू टू दिस रीजन द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी टूवर्ड्स द एक्चुअल ओनर्स अराइजेज विच इज एज फॉलो एक्चुअल जो ओनर होते हैं कंपनी के जो कि शेयर होल्डर होते हैं उनके प्रति कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फर्स्ट इज पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस शेयर होल्डर आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी देर फॉर इट इज़ नेसेसरी टू हैव कॉन्फिडेंस इन देम वाई टेकिंग एनी डिसीजन रिगार्डिंग पॉलिसी इट इज़ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंपनी टू मेक देम पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्योंकि शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर्स हैं तो जितने भी पॉलिसीज जितने भी डिसीजन रिगार्डिंग पॉलिसी लिए जाते हैं वो सारे में शेयर होल्डर्स का ओपिनियन लेना ज़रूरी है शेयर होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेके फिर डिसीजन कोई भी जो है वो डिसाइड करना होता है तो ये पूरी प्रोसेस में जो है शेयर होल्डर को उसमें पार्टिसिपेशन का राइट देना चाहिए ये बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है शेयर होल्डर के प्रति कि उनको जो है वो बताएं उनकी राय लें सेकेंड इज़ कैपिटल सिक्योरिटी एंड ग्रोथ इट इज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द ओनर ऑफ द कंपनी बाय पुट देयर पर्सनल इंटरेस्ट असाइड द मैनेजमेंट हैव टू यूज देयर स्किल्स फॉर द सिक्योरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स कैपिटल एंड टू इंक्रीज इट्स वैल्यू कंपनी जो है वो अपने जो शेयर होल्डर हैं जिन्होंने शेयर में कंपनी में इन्वेस्ट किया है जिन्होंने कंपनी में कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया तो जो उनकी कैपिटल है उनकी सिक्योरिटी और ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होती है कंपनी की होती है कि शेयर होल्डर ने जो भी इन्वेस्ट किया है उन पर उनको अच्छी तरह से सिक्योरिटी मिली और उनकी जो वैल्यू है इन्वेस्टमेंट in की वो भी बढ़ सके तो ये भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई बिजनेस की शेयर होल्डर के प्रति थर्ड इज प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ द ओनर्स द ओनर्स इंटरेस्ट ऑलवेज फाउंड इन सेफ्टी ऑफ कैपिटल इंक्रीज इन द वैल्यू इन ग्रोथ ऑफ द कंपनी इट इज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू प्रोटेक्ट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने कंपनी के शेयर को परचेज किया है और कंपनी के शेयर होल्डर बने हैं तो उनको इंटरेस्ट जो है उनका वो प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बिज़नेस की है कि शेयर होल्डर्स जो है वो उसी कंपनी में इन्वेस्टर ज़्यादा समय तक रहें और इन्वेस्टर यहाँ पे वहाँ पे ही सेफ फील करते हैं जहाँ पे उनकी जो कैपिटल है उनको ऐसा लगे कि हमारी कैपिटल सही जगह पे इन्वेस्ट हुई है और उनका ग्रोथ भी हो रहा है उनको इंटरेस्ट भी मिल रहा है तो इसी तरह से ओनर्स की जो कैपिटल होती है उनकी सेफ्टी इज़ मस्ट नेक्स्ट इज़ प्रायोरिटी फॉर डेवलपमेंट वेन द डेवलपमेंट प्लान बींग पुट इन इन टू द प्रैक्टिस दैट शुड बी प्रायोरिटी ऑफ गेटिंग मोर कैपिटल फ्रॉम द एक्चुअल ओनर्स एंड टू ऑफर देम राइट शेयर इन अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जब भी कभी कंपनी के पास ज़्यादा शेयर है उनको ज़्यादा शेयर इशू करने हैं तो जो राइट शेयर यानी कि ऑलरेडी जो कंपनी के पहले से ही शेयर होल्डर है उनको पहला राइट देना कि हम दोबारा से कंपनी में जो है वो शेयर इश्यू कर रहे हैं तो अगर आपको शेयर्स चाहिए तो आपको पहले राइट दिया जाता है कि आप उनको परचेज़ कर सके तो जब भी कभी कंपनी का डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पे शेयर होल्डर को प्रायोरिटी देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी बिजनेस यूनिट की यहाँ पे होती है नेक्स्ट इज़ सोशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स द इन्वेस्टर्स अब इन्वेस्टर्स के प्रति जो है बिज़नेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एज द साइज़ ऑफ द यूनिट इंक्रीज सिमल्टेनियसली रिक्वायरमेंट ऑफ़ कैपिटल इनक्रीजेस कैपिटल प्रोवाइडेड बाय द इन्वेस्टर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक लोन प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ यूनिट टूवर्ड्स इन्वेस्टर्स आर एज अंडर अब कई कंपनी के साइज जैसे जैसे बढ़ती जा रही है उसी तरह से उनके कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी क्या होती जाएगी इंक्रीज होती जाएगी अब इसको प्रोवाइड करने के लिए कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए इन्वेस्टर जो है वो अलग अलग तरह से लोन देते हैं फिर प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर के थ्रू उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके प्रति कंपनी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है फर्स्ट इज़ टाइमली पेमेंट ऑफ रिटर्न द इन्वेस्टर हैव है इन्वेस्टेड देयर मनी विथ एक्सपेक्टेशन ऑफ हाई रेगुलर एंड रीजनेबल रिटर्न इट इज़ द सोशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ यूनिट टू पे रेगुलर रिटर्न इन्वेस्ट ही हम इसी वजह से करते हैं कि हमें हमारे इन्वेस्टमेंट के बदले में कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा तो यहाँ पे कंपनी जो है अपने इन्वेस्टर को टाइम टू टाइम उसको रिटर्न पेमेंट कर देना होता है यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन होती है इन्वेस्टर की कि उनको अपने इन्वेस्ट किए हुए हुए मनी के ऊपर कुछ ना कुछ रिटर्न मिले रेगुलरली मिले और रिजनेबल भी मिले तो ये हो गई बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट द कंपनी हैव टू पे रेगुलर रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स सेकेंड इज़ प्रोवाइडिंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग करंट स्टेटस एंड फ्यूचर प्लान ऑफ द यूनिट टू द इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि हमारी करंट सिचुएशन इस तरह की है और फ्यूचर में हम इस तरह का कुछ प्लान करेंगे थर्ड इज़ ग्रोथ इन इन्वेस्टमेंट वैल्यू द मार्केट वैल्यू ऑफ़ द इन्वेस्टमेंट इज डिटरमाइन एज पर द फिनेंशियल रिजल्ट ऑफ द यूनिट द फिनेंशियल डिसीजन ऑफ द यूनिट मस्ट बी टेकन विथ द इंटेंशन टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टमेंट होते हैं कंपनी के वो इन्वेस्टमेंट के मार्केट प्राइस के मुताबिक अगर मार्केट प्राइस उसकी ज़्यादा है मार्केट वैल्यू ज़्यादा है तो उसका रिजल्ट होगा कि जो इन्वेस्टमेंट है वो उसका ग्रोथ होगा द तो फिनेंशियल डिसीजन ऑफ अ यूनिट मस्ट बी टेकन विद द इंटेंशन टू तो इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑफ़ द इन्वेस्टर ऐसे ही डिसीजन लेने चाहिए ऐसा ही इंटेंशन होना चाहिए कि इन्वेस्टर की जो कैपिटल है वो बढ़े तो यहाँ पे ग्रोथ ऑफ़ इन्वेस्टमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट वैल्यू का ग्रोथ हो इस तरह की पॉलिसी कंपनी को अप्लाई करनी है और इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेस्टर के प्रति निभानी है नेक्स्ट इज सिक्योरिटी ऑफ मनी इन्वेस्टर्स हैव इन्वेस्टेड देयर मनी एंड ट्रस्टिंग एफिशियंसी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द यूनिट इट इज़ द सोशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक प्रॉपर यूज एंड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू देयर मनी so in future where the financial requirement arises unit can easily procure the money from them यहाँ पे जितने भी investor ने invest किए गए हैं company में जितने भी रुपये उन्होंने invest किए हैं उनकी investment के जो base होता है वो होता है trust यानी कि उसको company के ऊपर trust है कि उनके पैसे सही जगह पर invest हुए हैं तो यहाँ पे business की social responsibility बनती है कि उसका proper तरीके से use करें और उसको प्रॉपरली सिक्योरिटी प्रोवाइड करे ताकि इन फ्यूचर जब फिनेंशियल रिक्वायरमेंट जो है वो ऑराइज हो तो उनके ऊपर से ईजीली जो है वो इन्वेस्टर्स अपने मनी को ले सके नेक्स्ट इज सजेशंस आर वेलकम जनरली द इन्वेस्टर्स आर अवेयर विथ मार्केट ट्रेंड्स दस देयर सजेशन शुड बी वेलकम जनरली इन्वेस्टर्स जो भी होते हैं उनको सारे मार्केट के बारे में पता होता है फिनेंशियल मार्केट के बारे में उसको सारी नॉलेज होती है तो कई बार कंपनी इन्वेस्टर्स के पास से सजेशंस भी लेते हैं नेक्स्ट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूअर्स एम्प्लॉयज़ अब कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं उनके प्रति बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एम्प्लॉयज़ आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इन एनी यूनिट इट इज नॉट प्रोन टू एक्स एक्जीग्रेट बाय से यूनिट कैन नॉट अचीव इट्स गोल विदाउट एफिशियंट एम्प्लॉयज़ देरफॉर इट इज़ द प्राइम सोशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ यूनिट टू मेंटेन एंड टेक केयर ऑफ इट्स एम्प्लॉय जैसे कंपनी का अस्तित्व ही जनरली पे होता है एम्प्लॉयज़ पे, अगर काम करने वाले ही नहीं हैं तो कंपनी का ग्रोथ पॉसिबल नहीं होगा तो एम्प्लॉय जो है वो ईच एंड एवरी यूनिट जो बिजनेस के होते हैं उसमें काम कर रहे होते हैं तो यहाँ पे ऐसा हम नहीं बोल सकते कि गोल जो है कंपनी का वो विदाउट एम्प्लॉयज जो है वो अचीव हो पाएगा तो यहाँ पर बिजनेस की मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखें और उनके प्रति जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अच्छे से निभाए सो थर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स हिज एम्प्लॉयज फर्स्ट टू मेनटेन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेम्यूनरेशन इज द मेन परपज ऑफ एन एम्प्लॉय टू परफॉर्म दर टास्क कोई भी एम्प्लॉयज जो है वो अपने टास्क इसीलिए परफॉर्म करता है ताकि उनको पता है कि उनके बदले में हमें रेम्यूनोरेशन मिलेगा इफ़ द रेम्यूनरेशन इज इम्प्रॉपर डिसटिस्फेक्शन अमॉग द एम्प्लॉयज अगर रेम्यूनरेशन जो है वो अच्छे से नहीं मिलता है शोषण हो रहा है एम्प्लॉयज़ का उनको कम पेमेंट किया जाता है तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के बीच में क्या क्रिएट होता है डिससेटिस्फेक्शन इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंपनी टू सी दैट द एम्प्लॉयज़ आर गेटिंग द रेमुनरेशन इन टाइम टू उनको अपना रेमुनरेशन जो है वो टाइम टू टाइम भी मिल जाना चाहिए और प्रॉपरली मिलना चाहिए जितना वो काम करें हैं उस हिसाब से दस यूनिट डज नॉट हैव टू एक्सप्लोयड दर एम्प्लॉयज़ एंड हैव टू प्रोवाइड द रिजनेबल रेमुनरेशन इन टाइम कंपनी को ऐसा नहीं करना चाहिए कि एम्प्लॉय के पास से ज़्यादा काम ले और बदले में उनको रेमुनरेशन कम प्रोवाइड करे उनको टाइम टू टाइम एक तो रेमुनरेशन प्रोवाइड करना है और दूसरा प्रोपरली रेमुनरेशन रिजनेबल रेमुनरेशन जो है वो उनको प्रोवाइड करना है उनका शोषण नहीं करना है सेकेंड इज़ टू प्रोवाइड प्रॉपर एटमोसफियर एंड फैसिलिटी फॉर वर्क टू कीप द बिजनेस यूनिट एफिशियंट द फेवरेबल एटमोसफेयर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल अगर कोई भी बिज़नेस को एफिशिएंटली चलाना है तो उस हिसाब से एम्प्लॉयज़ के लिए जो फेवरेबल एटमोसफेयर होता है वो भी क्रिएट करना होता है क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट रोल होता है इट इज़ दोशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ यूनिट टू लुक फॉरवर्ड टू पॉजिटिव एटमोसफियर इन अट एंड अप्रोप्रिएट ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय रिलेशनशिप यहाँ पर कंपनी को देखना होता है ये उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यूनिट में जो पॉजिटिव एटमोसफेयर है वही हो और जो एम्प्लॉज़ की रिलेशनशिप होती है उसमें अप्रोप्रिएट ग्रोथ भी उनको दिखे सारे मिलजुल के काम करें अ यूनिट कैन प्रोवाइड दिस एटमोसफियर बाई वेरियस फैसिलिटीज़ अब यूनिट जो है बिज़नेस यूनिट वो अलग अलग तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ये सारी फैसिलिटी फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कर सकता है और इस तरह का एटमोसफियर क्रिएट कर सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोवाइडिंग कैंटीन ट्रांसपोर्टेशन एंड क्लिनलीनेस एंड प्रॉपर वेंटिलेशन फैसिलिटी इन द यूनिट कैंटीन की फैसिलिटी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी फिर क्लिनलीनेस की फैसिलिटी और प्रॉपर वेंटिलेशन ये सारी फैसिलिटीज़ जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को देनी चाहिए इफ़ पॉसिबल एयर कंडीशन फैसिलिटी एंड सेपरेट अरेंजमेंट्स फॉर लेडीज एम्प्लॉयज़ शुड बी प्रोवाइडेड अगर पॉसिबल हो तो एयर कंडीशन की फैसिलिटी और जो लेडीज़ काम करते हैं लेडीज़ एम्प्लॉय है employee, उनके लिए अलग से अरेंजमेंट करना भी अगर पॉसिबल है तो ये फैसिलिटी भी उनको देनी चाहिए थर्ड इज़ टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी इन एडिशनल to timely reasonable salary, employees have to provide facilities such as provident fund, pension sick leaves, insurance protection of life, health care and group insurance scheme etc. यहाँ पे social security भी उनको provide की जाती है, उनको जो salary मिलनी चाहिए, वो तो salary तो मिलती है, लेकिन साथ में employees को facilities दी जाती है, pf की pension की sick leave अगर वो बीमार है, तो उनके leave without जो है, वो उनके salary काटे बिना इंश्योरेंस प्रोटेक्शन उसको दिया जाता है लाइफ का या फिर हेल्थ केयर का चाहे वो इंडिविजुअल हो या ग्रुप है तो ये थर्ड थे फोर्थ इज गिव रिकगगनाइजेशन टू एम्प्लॉय यूनियन एम्प्लॉयज फॉर्म एम्प्लॉय यूनियन टू प्रेजेंट देयर डिमांड्स इन ऑर्गेनाइजेशन वेट द मैनेजमेंट दे मस्ट गेट रिकोगगनाइजेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट द एम्प्लॉय यूनियन रिप्रेजेंट द एम्प्लॉय ऑफ द यूनिट बाई एक्से एक्सपेक्टिंग बाई एक्सेप्टिंग द रीज़नेबल डिमांड्स यूनिट कैन एनहांस एम्प्लॉज एंतज़ी आजम जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पर काम करे होते हैं उनके बीच में एक जो है एक तरह का यूनियन होता है कि अगर एम्प्लॉज़ को कोई भी एम्प्लॉयज़ की कोई भी डिमांड है तो उनको उस यूनियन के थ्रू जो कंपनी की चैनल होते हैं उसको रिप्रजेंट करना होता है तो यहाँ पर जो एम्प्लॉय यूनियन होता है उनको भी एक पहचान देनी है उनको भी एक रिकगनाइजेशन देना है ताकि सारे उसको पहचान सके फिफ्थ इज कम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड ऑफ हायर मैनेजमेंट एम्प्लॉय ट्रीटेड एज एन अट ऑफ अ यूनिट यूनिट एनी हैज़ टू एक्सेप्ट दैट दे आर एफिशिएंट इन देयर वर्क एट अदर साइड एम्प्लॉय शुड रिप्रेजेंट देयर ग्रीवेंस इन पर्सन और देयर यूनियन बाय टाइमली कंसिडरिंग दिस प्रेजेंटेशन एंड कीपिंग कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट ऑफ अ यूनिट एम्प्लॉय मस्ट बी ट्रीटेड लाइक फैमिली मेम्बर्स विच क्रिएट फैमिली एटमोसफियर जो हायर मैनेजमेंट होता है कंपनी का उनको एम्प्लॉय के प्रति कंप्रोमाइजिंग जो है एटीट्यूड रखना चाहिए ताकि एम्प्लॉय को ऐसा लगे कि हमारे साथ फैमिलियर बिहेव हो रहा है उनको ऐसा लगे कि फैमिली जित जैसा ही एटमोसफियर हमें यहाँ पर हमारे वर्क प्लेस पर मिल रहा है नेक्स्ट इज मोटिवेशन यू कैन बाय आर्स ऑफ योर एम्प्लॉयज बट हैव टू विन देयर एबिलिटीज़ Any unit cannot survive without constant encouragement of employees' enthusiasm. Therefore, to motivate the enthusiasm of employees, unit have to give increment, promotion, rewards, etc. Through it, employees' morale get boosted. Example, owners of the company encourage the employees by going on tour with the employee and their families. The employees are awarded for their advanced researches of new work techniques, etc., जैसे सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है आप लोग जो है वो एम्प्लॉज के आर्स जो है वो खरीद सकते हो लेकिन उनकी एबिलिटीज़ नहीं उनकी एबिलिटीज़ आपको जीतनी पड़ती है जितने भी यूनिट होते हैं उनके सारे एम्प्लॉयज़ को उनके एंथुजिएशन एंथुजियाजम जो होता है उनके बदले उनको इंक्रेजमेंट चाहिए होगा उनको थोड़ा सा मोटिवेशन देना उनके जो उत्साह है उनको बढ़ाना इंक्रीमेंट देना प्रमोशन देना अवॉर्ड्स देना रिवॉर्ड्स देना चाहे उनको फैमिली के साथ टूर अरेंज करना या तो फिर उनको जो है एडवांस रिसर्च जो किए हैं उनके बदले उनको जो है वो अवॉर्ड देना तो इस तरह से उनको मोटिवेशन देना भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई नेक्स्ट इज़ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी

पार्टिसिपेशन हो कोई अरेंजमेंट करनी है तो उसको इम्फॉम किया जाए उनके डिसीजन को इम्पोर्टेंस दी जाए इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड की जाए कंडीशंस जो भी उनके अपॉइंटमेंट के पहले डिसाइड हुई है उसके अलावा कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो उसको देनी है वो दी जाए यूनिट हैव टू मैनेज रिस्पॉन्सिबिलिटी सच एज लुक आफ्टर द अरेंजमेंट ऑफ द एजुकेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ चिल्ड्रेन उनके जो चिल्ड्रन होते हैं एम्प्लॉयज़ के उनके चिल्ड्रन की एजुकेशन की भी अरेंजमेंट यहाँ पे बिज़नेस यूनिट को करनी चाहिए और उनके जो प्लानिंग होते हैं टाइमिंग के फैमिली के एम्प्लॉयज़ के वो सारे मुताबिक सारी जो है वो अरेंजमेंट उनको कर देनी चाहिए तो ये थे इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे तब तक के लिए इसको ज़रूर रीड कीजिए रिवाइज़ कीजिए थैंक यू